हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और लेक्चर को देख रहे होंगे और बराबर सीख रहे होंगे। खुश रहो, अच्छे से रहो और घर से बाहर मत निकलो। कोविड का टाइम चल रहा है, घर पे ही रहो, पढ़ाई करो, ज़्यादा से ज़्यादा अपना टाइम यूटिलाइज करो कि स्टडी हम कैसे बेटर तरीके से कर सकते हैं और कैसे ज़्यादा स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। तो कल हमने पढ़ा था SCF, तो कुछ बच्चों के कमेंट देखे मैंने तो उनको SCF निकालने में अभी भी दिक्कत हो रही है। तो आज हम क्या करते हैं, मैं एक दो क्वेश्चन ले लेता हूँ, उसे बताऊँगा कि ईजीएस्ट वे में SCF कैसे निकाल सकते हैं, फिर हम आगे स्टार्ट करेंगे LCM कैसा है। देखो, आप ये मत सोचो कि सर बुक में तो बहुत कम दिया हुआ है, इतना तो है नहीं बेटा, ये बहुत कोर चीज़ है। LCM और SCF ये लाइफ टाइम काम आने वाली चीज़ है। आप 11, 12th या आगे कंपटीशन करोगे उसमें भी आएगा, आपको एग्जाम दोगे उसमें भी आएगा, ठीक है। तो ये बेसिक चीज़ें हैं, ये आपको आनी ही चाहिए, कोई दिक्कत, अच्छे से समझो और नोट करना। पहले हम SCF के एक दो क्वेश्चन करेंगे, फिर आगे हम LCM को पढ़ेंगे। आज लेक्चर थोड़ा लंबा हो जाएगा लेकिन आराम से देखना, लेकिन इतना मैं आराम आपको कह रहा हूँ कि एक बार आपने देख के समझ लिया तो आपको लाइफ में कभी भी LCM SCF निकालने में किसी भी तरीके की कोई समस्या नहीं होगी, ठीक है। तो हेडिंग डालते हैं हम, हाउ टू फाइंड एच सी एफ इन इजी वे, ठीक है। टू फाइंड SCF इन इजी वे, ठीक है। दो नंबर ले लेते हैं, ठीक है, कोई दो नंबर ले लेते हैं बुक से क्वेश्चन कर लेते हैं, फाइंड द ऐसे लिख लेते हैं। क्वेश्चन लिखो आप, क्वेश्चन, ठीक है, कैपिटल कर लेते हैं, पहला लेटर कैपिटल होना चाहिए। फाइंड द HCF ऑफ 120 एंड 144, ठीक है। इसका SCF तीन मेथड है, कल मैंने आपको डिस्कस किया था ना, प्राइम फैक्टराइजेशन, डिवीजन मेथड और कॉमन फैक्टर वाला, ठीक है, तीनों से। लेकिन आज हम इसको करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन से, वही सबसे इजी वे लगता है, बाकी आप दोनों से भी कर लोगे आंसर सेम आएगा, आंसर में कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन प्राइम फैक्टराइजेशन मुझे इजी लगता है, उससे हम ज़्यादा इजी कर सकते हैं, तो आप भी वैसे ही करो, ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे, 120 के प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे। 2 से किया 60, 144 के करेंगे, 60। अब देखो SCF निकालते वक्त हमें करना क्या है, SCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट और बड़े से बड़ा, देखो आराम से समझो, जैसे मैं कर रहा हूं आपको भी ऐसे ही करना एग्जाम में, कभी मिस्टेक नहीं होगी, ध्यान से देखते रहना, स्टेप फॉलो करना, आपको कभी एग्जाम में किसी भी तरीके की कोई मिस्टेक नहीं होगी। अब देखो दोनों में कॉमन क्या क्या है, उस पर सर्कल कर लेते हैं। 2 कॉमन है तो 2 लिख दिया, आगे देखो नेक्स्ट क्या मिला हमें, फिर 2 कॉमन है, सर्कल कर लिया, यहां पर लिख दिया अनदर 2, ठीक है। 2 कॉमन है, यहां पे सर्कल बना लिया अनदर 2, ठीक है। अब 3 कॉमन है और यहां पे भी 3 कॉमन है तो यहां पे लिख दिया 3। अब इन सबके मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ रहा है, 2 2 जा 4 2 जा 8 3 जा 24, तो SCF क्या आ गया हमारा 24। अब ये देखो क्या 24 इन दोनों नंबरों को डिवाइड कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है, देखो चेक करके देख लो, 120 तो ये कितना 24 से करेंगे तो ये जाएगा 5 टाइम में, और यहाँ देखो 24 को करेंगे इससे 144 तो ये जाएगा 6 टाइम में, देखो। और कोई नंबर होगा ही नहीं, मतलब ये सबसे बड़ा नंबर है जो इन दोनों नंबर को कंप्लीट डिवाइड कर रहा है। अच्छे से समझ में आया, नोट डाउन करो, फिर हम आगे आपके बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन करेंगे। किसी तरीके की कोई समस्या,
अगर आपको कोई दिक्कत हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना, फिर हम दोबारा से नेक्स्ट लेक्चर में एक बार फिर इसको डिस्कस कर लेंगे। वैसे मेरे ख्याल से इस तरीके से आप ये स्टेप फॉलो करोगे तो आपको किसी भी तरीके की कोई दिक्कत नहीं होगी। बस आप स्टेप देखो कि कैसे, ये इजिएस्ट वे है सोल्व करने का। अच्छे से समझ में आया, राइट डाउन करो। ठीक है, पॉज कर दो उन। ठीक बेटा, देखो ये क्वेश्चन है, आपके बोर्ड में पूछा हुआ क्वेश्चन है, 2019 का, में 1 मार्क्स का। क्या दिया हुआ है? टू पॉजिटिव इंटीजर्स है ए एंड बी, उनको कैसे लिखा गया है? ऐसे ए इक्वल टू एक्स क्यूब वाई स्क्वायर एंड बी इक्वल टू एक्स वाई क्यूब आर प्राइम नंबर्स। दोनों पॉजिटिव इंटीजर्स कैसे हैं? प्राइम नंबर्स। ठीक है, फाइंड एचसीएफ। इस तरह के क्वेश्चन को करने में बच्चों को बहुत प्रॉब्लम होती है। मैंने अपने टीचिंग एक्सपीरियंस में ये देखा है कि इस तरह के क्वेश्चन करने में बच्चों को अक्सर बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। आप इस तरीके से इसको देखना, स्टेप फॉलो करना, और मेरा चैलेंज है कि आपको लाइफ में कभी भी इस तरह के क्वेश्चन में किसी भी तरीके की कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये देखो एक्स क्यूब लिखा है, एक्स क्यूब, मैं एक यहाँ देखो, मैं 8 को ऐसे लिख सकता हूँ, 8 को 2 मल्टीप्लाई 2 लिख सकता हूँ, 8 है ना, या ऐसे भी लिख सकते हैं 8 इक्वल टू 2 की पावर 3 लिख सकते हैं। सेम इसी कंसेप्ट को मैं यहां फॉलो करूंगा। देखो एक्स क्यूब को मैं ऐसे लिख सकता हूं, वाई को मैं ऐसे लिख सकता हूं, वाई मल्टीप्लाई वाई, हो गया ये पहला स्टेप। अब बी को ऐसे लिख सकते हैं, देखो बी को क्या ऐसे लिखा है, एक्स मल्टीप्लाई वाई को कैसे लिख सकते हैं हम लोग, वाई मल्टीप्लाई वाई। अब देखो दोनों में कॉमन क्या क्या है, दोनों में कॉमन क्या क्या है, सर्कल बना लो इस पे। यहाँ पे एक्स कॉमन है, सर्कल बना लिया, ठीक है, यहाँ पे क्या कॉमन है और वाई कॉमन है, यहाँ पे भी वाई है। एक और देखो, एक वाई यहाँ पर है और एक वाई यहाँ पर है, तो अब एक साथ लिख दो तीनों को, एस सी एफ कैसे लिखेंगे हम, एक्स मल्टीप्लाई वाई मल्टीप्लाई वाई आ गया, तो यहाँ से एस सी एफ क्या हो जाएगा, एक्स वाई स्क्वायर। सिंपल है, अच्छे से नोट डाउन करो और देखो क्या ये दोनों नंबर इसमें है, क्या ये दोनों नंबर को डिवाइड कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है, चेक कर सकते हैं आप। हम लोग हम ऐसे लिख सकते हैं, x इंटू वाई डिवाइड बाई हमारा क्या आया, एस सी एफ, एक्स मल्टीप्लाई वाई मल्टीप्लाई वाई, दोनों से सेम आना चाहिए। देखो सेम आएगा, यहाँ देखो इस x से ये x कटा, इस y से ये y कटा, तो क्या बच गया, और इस y से ये y कटा। मिस्टेक हो गई क्या? हाँ ये मिस्टेक हो गई यार, इसको रोक दे, इतना वो कर लेंगे। ठीक है, स्टार्ट करूँ, समझ में आ गया अच्छे से तरीका, आप लोगों को समझ में आया, नोट डाउन करो इनको पूरे को, है ना। क्या ये दोनों में कॉमन है? बिल्कुल कॉमन है, देखो ध्यान से, यहाँ पे x है, इसमें भी x है, यहाँ पे 2y है, यहाँ पे भी 2y है, यहाँ पे देखो एक x है, एक x आ गया, 2y है यहाँ पे भी, दोनों में y आ गया। ठीक है, ऐसे ही करना, आपको कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। आप कोई से भी रेफरेंस बुक उठा लो, या आर डी शर्मा ऑल इन वन, आर एस अग्रवाल, या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, NCERT, कोई से भी बुक उठा लो, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन है, ऐसे वेराइटी ऑफ क्वेश्चन है, तो अच्छे से करना उसको, कोई अपने से प्रैक्टिस करना इसी सेम तरीके से, सेम कंसेप्ट है सबका। कोई दिक्कत हो तो मेरे से पूछना नीचे कमेंट बॉक्स में। अगर इसकी जगह नंबर भी हो जाते तो नंबर के, हमारे अभी पीछे हमने क्वेश्चन किया था 120 और 144 वाला, तो उसको भी आप ऐसे ही करना। समझ में आया, ये इजीएस्ट वे है एचसीएफ के क्वेश्चन को सोल्व करने का। राइट डाउन करो इतना, फिर हम आगे करते हैं। ठीक है, मिटा दूं अच्छे से। अब आज हम पढ़ेंगे LCM,
जैसे एचसीएफ पढ़ा था वैसे ही आज हम स्टार्ट करेंगे एलसीएम। हेडिंग डालेंगे हम एलसीएम, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है एलसीएम का? लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, और इसी लोएस्ट को हम लोग लिस्ट भी लिखते हैं, कई कई बुकों में लिस्ट भी है, ठीक है। अब देखो नाम से ही पता चल रहा है क्या लिख कह रहा है ये अपने आप से ही। लोएस्ट, लोएस्ट मतलब कम से कम, लोएस्ट कम सबसे छोटा मतलब लोएस्ट कम से कम, कॉमन कॉमन मतलब दोनों में हो, दोनों में हो, और मल्टीपल मतलब उनका मल्टीपल भी हो, मतलब दोनों की टेबल में आए। नाम से पता चल गया कम से कम हो, कॉमन हो और दोनों की टेबल में आए। कैसे? इसकी डेफिनेशन लिखाऊं? डेफिनेशन लिखवाने की जरूरत है? मेरे ख्याल से ये तो आपको पता ही होगा, इतना पढ़ते आ रहे हो बचपन से। अगर आपको जरूरत होगी डेफिनेशन की तो मैं अपनी कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं अपनी सीट में डाल दूंगा डेफिनेशन, प्रैक्टिस सीट में, कि एलसीएम एचसीएफ की डेफिनेशन होती क्या है, ठीक है। अब इसको हम एक एग्जाम्पल से करते हैं तब आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। एग्जाम्पल से समझाता हूँ ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। एग्जाम्पल से कैसे? जैसे दो नंबर ले लिए मैंने, कोई से भी दो नंबर ले लो रैंडम। मैंने ले लिया 60 और 20, ठीक है। अब देखो करेंगे कैसे, बस आप स्टेप फॉलो करना। 16 के मल्टीपल क्या होंगे? नाम से पता चल रहा है मल्टीपल, मैंने बताया था ना पहले लेक्चर में मल्टीपल और फैक्टर, इसलिए मैंने इतना टाइम लगा के वहां पे आपको इसलिए पढ़ाया क्योंकि मुझे पता था ये आगे यूज होगा। मल्टीपल क्या होते हैं बताया था आपको कि उसकी टेबल में आए, और फैक्टर क्या होते हैं जो उसको डिवाइड कर दे। तो मल्टीपल समझ में आया। अब 16 के मल्टीपल क्या लिखेंगे? सबसे पहला मल्टीपल क्या होगा 16 की टेबल, 16 × 16, 32, 48, 64, 80, और आगे भी लिख सकते हैं 96, 112, ठीक है। अब हम लिखेंगे 20 के मल्टीपल, 20 के मल्टीपल क्या होंगे 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180, 16, 128, 144 और 160। अब देखो ध्यान से दोनों में, कॉमन क्या मिल रहा है 16 में, ध्यान से देखना। सबसे पहले कॉमन क्या मिला हमें 80, फिर उसके बाद कॉमन क्या मिला हमें, ऐसे ही आगे हम बढ़ते जाएंगे तो नेक्स्ट मल्टीपल क्या होगा 80, 240, उसके नेक्स्ट मल्टीपल क्या होगा 320, फिर नेक्स्ट मल्टीपल क्या होगा 400, ऐसे ही बढ़ते जाएंगे। कहां तक होंगे? मल्टीपल इनफाइनाइट हो सकते हैं। एक यहां पे पॉइंट डाल के लिख लेना आप लोग, पीछे मैं भूल गया था लिखवाना, फैक्टर्स ऑफ द नंबर्स, फैक्टर ऑफ द नंबर्स आर लिमिटेड। फैक्टर किसी भी नंबर के फैक्टर क्या होंगे लिमिटेड, और मल्टीपल क्या होंगे मल्टीपल ऑफ द नंबर्स आर अनलिमिटेड। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, फैक्टर क्या होंगे फैक्टर लिमिटेड होते हैं, लेकिन मल्टीपल क्या होते हैं अनलिमिटेड होते हैं, मल्टीपल कितने भी हो सकते हैं लेकिन फैक्टर लिमिटेड होंगे। दोनों पॉइंट लिखो। अब इसी को आगे कंटिन्यू करते हैं तो हम क्या लिख सकते हैं यहां से कि हमें फैक्टर क्या क्या मिले, वो मल्टीपल क्या क्या मिले, मल्टीपल क्या है, सबसे पहला मल्टीपल 80, दूसरा 160, थर्ड 240, 320, 400, ऐसे ही चलते जाएंगे। इनमें से लीस्ट
लीस्ट, लीस्ट मतलब सबसे छोटा, सबसे छोटा क्या है 80. तो वी कैन से डेट एलसीएम ऑफ 6920 इज 180. अब देखो वन वो 180 नहीं, माफ करना 80 ही ऐसा नंबर है जो इन दो, जिससे ये दोनों नंबर पूरे पूरे डिवाइड हो जाएंगे. देखो सबसे पहला कैसे लिखेंगे हम, यहां पे लिखो 80 16 से, तो 16 5 या 80, 20 को करते हैं 4 टाइम. कोई सबसे छोटा नंबर जिससे ये दोनों नंबर डिवाइड हो जाए 80 में होगा, इसी को हम क्या बोलते हैं, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल और LCM. अच्छे से समझ में आया? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? मेरे ख्याल से नहीं होगी आपको. राइट डाउन करो ये कब है, जब हमने दो नंबर लिए. इरेज करता हूं, अब आगे देखते हैं. अब सपोज करो तीन नंबर का हमें निकालना है, इसमें कौन नंबर ऐड कर लेते हैं, से 24 लिख लेते हैं, ठीक है 24. अब तीनों के फैक्टर लिखेंगे, तीनों के मल्टीपल लिखेंगे. 16 का मल्टीपल क्या होगा 16, 32, 32 ऐसे ही चलता रहेगा, ठीक है. अब 20 के लिखेंगे, 20 के क्या क्या होंगे, 20, 40, 60, 80, 100, 24 के क्या क्या होंगे, राइट डाउन करो 24, 48, 72 और 96 और 144, ऐसे ही चलता रहेगा. अब देखो इसमें ध्यान से, तीनों में सबसे छोटा नंबर ऐसा कहां पर है जो तीनों में कॉमन है, कौन सा तीनों में सबसे छोटा नंबर कौन सा है, देखो जो कॉमन है. और 44 96 96 120 120 140 16 12 80 140 और आगे इसको चला जाए 40 140. कोई सा नंबर कॉमन मिल रहा है, कॉमन कोई सा नंबर नहीं मिल रहा है, एक मिनट तीनों में, ठीक है. ये देखो अब यहाँ पे आप देखो सबसे पहला मल्टीपल हमें कहाँ मिल रहा है, ध्यान से देखना. ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा हो गया है, कोई नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन इसे छोटी डिजिट लेके समझा देंगे. यहाँ देखो क्या वही पहला नंबर मिला, उससे पहले कहीं कोई नंबर मिल रहा है, नहीं मिल रहा है. तो क्या लिख देंगे यहाँ से हम, एलसीएम क्या होगा, एलसीएम इक्वल टू 240. एक चीज याद रखना आप लोग हमेशा, लिख लो चाहे यहाँ पे स्टार बना के, LCM is always greater than equal to given numbers. LCM जो हमारा होगा वो हमेशा दिए हुए नंबर के या तो इक्वल होगा या उससे बड़ा होगा, हमेशा. SCF क्या था, SCF दिए हुए नंबर से या तो छोटा था या उसके इक्वल था, और LCM क्या होगा, दिए हुए नंबर के इक्वल होगा या तो उससे बड़ा होगा. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मिलियन डॉलर वाली बात है, ये हमेशा याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है. नोट डाउन करो, एक और थोड़ा कम वैल्यू वाला एग्जांपल लेते हैं और उससे सोल्व करते हैं, ठीक है. ये लिख लेते हैं हम लोग 4 6 12, इसका एलसीएम लेंगे. तो इसका एलसीएम 4 का है, 4 की टेबल लिखेंगे, 4 बन जा 4 8 12
16, 20, 24, 6, 6, 12, 18, 24, 12, 24, 26, 48, ऐसे ये चलता रहेगा आगे। देखो यहाँ पे क्या मिला है, सबसे पहला, दूसरा नंबर भी है, ऐसा नहीं है, दूसरा नंबर भी हमें मिला। देखो यहाँ पे 24, 24, 24, तो हमारा HCF क्या होगा, वो LCM क्या होगा, बताया था ना आप लोगों को, LCM क्या होगा, जो मल्टीपल में भी लीस्ट हो। तो क्या मिला हमें, LCM 12। अब दोनों एग्जांपल से आपको समझ में आ गया होगा, पीछे वाले क्वेश्चन में हमारा LCM क्या मिला था, 240, जो दिए हुए नंबर से बड़ा था। यहाँ पे देखो LCM क्या मिला, दिए हुए नंबर के इक्वल, 12 है ना, तो 12 के इक्वल आ गया ना, तो प्रूफ भी हो गया रिजल्ट कि LCM और LCM इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू गिवन नंबर। अच्छे समझ में आया, नोट डाउन करो, और क्वेश्चन करते हैं इससे रिलेटेड, इरेज कर दूं, समझ में आ गया होगा अच्छे से आप लोगों को। अब LCM निकालने के भी 3 मेथड है, ये तो मैंने बता दिया कैसे है, 3 मेथड है, 3 मेथड क्या क्या है डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है, फिर आगे हम कंटिन्यू करते हैं। 3 मेथड क्या क्या है देख लेता हूँ, क्या ना मैं बोल देता हूँ। अब ये देखो LCM फाइंड करने के 3 मेथड है, ट्रेडिशन मेथड जो हम पढ़ते आ रहे हैं क्लास 6, 5, 6, 7, 8, 9, 10 बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है, अच्छे से समझो। इन तीनों मेथड को मैं एक ही एग्जांपल से समझाऊंगा आप लोगों को, इन तीनों मेथड को मैं एक ही एग्जांपल से समझाऊंगा, एक ही एग्जांपल लूंगा और तीनों को उसी से सोल्व करके दिखाऊंगा, ठीक है। आप लोग देखो कौन सा, जैसे मैं सपोज करो कोई वैल्यू ले ली मैंने, फॉर एग्जांपल ये वैल्यू ले ली मैंने, तो कॉमन मल्टीपल मेथड, तीनों को सेम, इसमें भी वही ले लेते हैं 8, 12, 16 और इसमें भी यही ले लेंगे 8, 12, 16। अब तीनों को सेम तरीके से करके दिखाता हूँ। देखो मल्टीपल, 8 के मल्टीपल लिखेंगे सबसे पहले 8, 16, 24, 32, 12 के मल्टीपल लिखेंगे 12, 16 के मल्टीपल लिखेंगे आप 16। देखो ध्यान से, अच्छे से समझो, बहुत बढ़िया, इजीएस्ट वे में 8 को सही से बना लेते हैं, 8 सही से बन नहीं आ रही है 8। तो सबसे पहला नंबर क्या मिला हमें तीनों में, तो हम यहां से क्या बोल सकते हैं, हम LCM इक्वल टू 48। क्या 48 में इन तीनों नंबर का डिवीजन हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, करके देखो 8 6 जा 48 12 4 जा 48 16 3 जा 48, आ गया। अब नेक्स्ट करते हैं हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्या है, इसको प्राइम नंबर में ब्रेक कर दो, तो 8 को कैसे ब्रेक कर देंगे, 2 2 जा 4 2 जा 8, 12 को कैसे करेंगे, 2 2 जा 4 2 जा 3, और 16 को कैसे करेंगे, 2। अब इसको ध्यान से समझना, बहुत ही बढ़िया है, यहां पे LCM इसका कैसे लिखेंगे, ऐसे ही करना, आपको कभी किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सबसे पहले हम क्या करेंगे, कॉमन क्या क्या है वो लिख लेंगे, सबसे पहले क्या कॉमन है, 2 कॉमन है, यहां लिख लिया 2। नेक्स्ट फिर क्या कॉमन बचे मिल रहा है दोनों में, अनदर 2, और कुछ कॉमन मिल रहा है, देखो ध्यान से, इन दोनों में 8 में और 16 में इसमें क्या कॉमन है, अनदर 2। अब कुछ कॉमन मिल रहा है,
अब कुछ को मन नहीं मिल रहा है। अब हमारे पास क्या क्या बच गया, देखो जो जो बच गया यहां से क्या बच गया, थ्री, तो यहां पे लिख देंगे थ्री, और यहां से क्या बच गया हमारे पास, एक और टू। इस सबकी मल्टीप्लाई करो क्या आएगा, टू टू जा फोर, टू जा एट, टू जा सिक्सटीन, सिक्सटीन थ्री जा फोर्टी एट। आ गया एलसीएम, समझ में आया कैसे निकालना है। सबसे पहले कॉमन, देखो जो जो कॉमन थे उसमें मैंने रेड सर्किल किया है, फिर ये देखा मैंने कि 18 और 16 में से तो कुछ कॉमन नहीं है, बिल्कुल एक और टू में लिया, वो मैंने लिख दिया। अब उसके बाद जो रिमेनिंग नंबर है उसको भी लिखना है, टू थ्री को लिखा और टू को लिखा। बच्चे लोग ऐसे ही करना बहुत इजीएस्ट वे है, आप अभी करोगे ना, देखो शुरू शुरू में सीखने में टाइम लगता है, चीज़ों को सीखने में टाइम लगता है। मैंने आपको पहले भी बोला था, सेकेंड या थर्ड लेक्चर में मैंने ये बोला था, चीज़ों को सीखने में टाइम लगता है। जिस तरीके से आप लोगों ने व्हाट्सएप पे, ऐसा थोड़ी ना कि मोबाइल आया और आपने लोगों ने तुरंत वीडियो शेयर करना या मैसेज फॉरवर्ड करना ये सब सीख गए, धीरे धीरे करते करते सीखे ना आप लोग। अब हो सकता है कि कई लड़के प्रो होंगे कि व्हाट्सएप में ये है, वो फीचर्स है, ये फीचर्स है, वही चीज़ें धीरे धीरे आप करोगे तभी सीखोगे। ये आपको अभी लग रहा है कि यार ये लॉन्ग मेथड है, धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करते रहोगे, एकदम सीखते रहोगे तो आपको तुरंत पता चल जाएगा, अच्छा इसके ये तीनों किसकी टेबल में आते हैं, वो लिख दिया, ये तीनों ऐसे इस तरीके से। लेकिन आपको करना पड़ेगा, शुरू में तो आपको करना ही पड़ेगा। अच्छे से समझ में आया। अब लास्ट देखेंगे हम अपना लॉन्ग डिविजन मेथड, ये तो फेमिलियर हो आप लोग, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। कैसे कर देते इसको, ऐसे याद आया, कुछ याद आया बचपन में, वैसे ही है। अब ये तीनों नंबर किससे जा रहे हैं, टू से जा रहे हैं, तो टू से कर देंगे फोर सिक्स एट, फिर किससे जा रहे हैं ये, टू से क्या आएगा, फिर ये किससे जा रहे हैं, टू से वन थ्री टू, फिर ये किससे जा रहा है, टू से क्या बचा, वन थ्री वन। अब देखो ये किससे जा रहा है, ये थ्री से जा रहा है, वन वन वन। अब ये तीनों नंबरों को, इन तीनों इन सभी नंबरों को जो हमारे आए, इस सबकी मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा, टू टू या क्या है, यहां से भी देखो फोर्टी एट, फोर्टी एट आया ना। कैलकुलेशन चेक कर लेना, कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं है, मेरे ख्याल से नहीं हुई होगी। तीनों मेथड से आपको एक चीज समझ में आ गई होगी क्या, कि हर बार हमारा एलसीएम क्या आ रहा है, 48। एलसीएम क्या आ रहा है हमारा, बार बार हमारा एलसीएम क्या आ रहा है, 48। अच्छे से समझ में आया, नोट डाउन करो अच्छे से, और बेटा इसको एक कॉपी में लिख लेना, प्रॉपर कॉपी में आप लोग नोट डाउन करना और इसको देखना, आपको समझ में आ जाएगा। ऐसा हो नहीं सकता कि आपको समझ में ना आए, अच्छे से देखना। बहुत तीनों मेथड मैंने आपको एक साथ बता दिए, सबसे इजीएस्ट मेथड मेरे को यही लगता है, करते करते आप सीख जाओगे। ध्यान रखना इसको, इस मेथड को, ये सबसे इजीएस्ट मेथड लगता है मेरे को। ये तो लॉन्ग मेथड है, खैर इसको बचपन से पढ़ते ही आ रहे हैं, लेकिन ये सबसे इजीएस्ट मेथड लगता है मुझे, तो इसी से हम क्वेश्चन करेंगे। आप लोग भी ऐसे करना, इस मेथड को फिर से समझो कैसे करते हैं। सबसे पहले तीनों में जो कॉमन है उसको लेंगे, कॉमन ले लिया, तीनों में जो कॉमन है, फिर देखेंगे दोनों में जो उनसा कॉमन है, दोनों में क्या कॉमन आया था, टू टू, उसको लिख लिया। अब जो बच गए उसको भी लिख लिया, क्या बच गया था, थ्री, यहां लिख दिया, टू बच गया, यहां लिख दिया। मैंने इसलिए अलग अलग पेन का यूज किया है ताकि आप लोगों को समझने में कोई दिक्कत ना हो, ठीक है, नोट डाउन करो, फिर आगे हम करते हैं आगे का।